हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। इन फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कसिंग अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रॉ पिक्टोरिकल ग्रिड टू सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, पार्ट ए था हमारे पास 5/6 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। विल कंटिन्यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम नोटबुक में राइट डाउन करते हैं। क्या है हमारे पास 5/6 डिवाइडेड बाई 1/3। तो हमारा स्टेप वन क्या था कि वी हैव टू मेक टू आइडेंटिकल ग्रिड्स। ठीक है, टू आइडेंटिकल हमें क्या बनानी है, ग्रिड्स बनानी है। तो पहले हम ग्रिड्स में क्या करते हैं, जो भी हमारा डिविडेंट है, डिविडेंट क्या है हमारे पास 5/6। ठीक है, डिविडेंट का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 6, तो हम लोग क्या बनाते हैं, 6 बनाएंगे कॉलम्स सी। ठीक है, एंड जो हमारा डिवाइजर है 1/3, तो डिवाइजर का डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 3 हम बनाएंगे रोज। ठीक है, 6 कॉलम एंड 3 रोज। ठीक है, तो रो पहले बनाएंगे 6 कॉलम। कॉलम ऐसे बनते हैं, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव एंड 6। 6 कॉलम्स बन गए हमारे पास। ठीक है, एंड 3 क्या बनानी है, रो बनानी है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम बन गए और 3 रोज बन गई। ठीक है, सिमिलरली हमें एक और ग्रिड बनानी है। ग्रिड 1 थी, अब हमें बनानी है ग्रिड सेकंड। बिल्कुल सेम आइडेंटिकल ग्रिड हमें ड्रॉ करनी है। और 3 क्या हो गए हमारे पास, रो एंड 6 क्या हो जाएंगे, कॉलम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो गए कॉलम और रो हो गई 3। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप क्या था, हमें शेड द ग्रिड 1 इन योर डिविडेंड। ठीक है, हमें पहले हमारे डिविडेंड को शेड करना है इन द फर्स्ट ग्रिड। ठीक है, तो क्या है 5/6, तो 6 के हमें कितने पार्ट को हमें शेड करना है, 5 पार्ट्स को। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला वाला पूरा शेड हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर एंड सिमिलरली 5। ठीक है, हमने 5 को क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 5/6। ठीक है, 5/6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कितने ब्लॉक्स को शेड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, कितने ब्लॉक्स किए हैं हमने, 15 ब्लॉक। सिमिलरली हमें 1/3 शेड करना है इन द सेकेंड ग्रिड। ठीक है, तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 पार्ट्स है ना, इसका हमें एक पार्ट शेड करना है, तो ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा शेड होने के बाद, 1/3। और 1/3 को शेड करने, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कितने ब्लॉक्स को शेड किया है, 6 ब्लॉक्स को। ठीक है, सो नाउ लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, चेक 1/6 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स। ऐसे 6 ब्लॉक्स के पेयर कितने बनते हैं 15 ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, तो हम पेयर्स बनाएंगे, पहले 6 ब्लॉक्स के पेयर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बन गया हमारे पास एक पेयर। ठीक है, नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बन गया सेकंड पेयर। ठीक है, अब इसके बाद तो हमारे पास पेयर बन ही नहीं रहा, 1, 2, 3 ये तो हमारे पास रिमेनिंग रह गए, तो आंसर क्या आ गया, 2 तो बन गए हमारे पास कंप्लीटली पेयर्स, और 3 ब्लॉक्स हमारे पास क्या रह गए, रिमेनिंग रह गए। और ये 3 ब्लॉक्स क्या है, 6 का कितना है, हाफ है, तो 6 का हाफ है ना ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। 2 2 जा 4 + 1 5, 5/2। ठीक है,
तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5/2, 5/6 डिवाइडेड बाय 1/3 इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से भी यूज मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे होते हैं, 5/6 एज इट इज इनटू 1/3 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/1। ठीक है, नाउ 5 × 3 15 एंड 6 × 1 6। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये चला जाएगा 2 पे, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 5 = 15। हमारे पास आंसर आ गया 5/2। तो रेसिप्रोकल से भी यही आ रहा है और बाय यूजिंग ग्रिड आंसर्स दोनों सेम आ रहे हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है, यूज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर टू सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें डिवाइजर का रेसिप्रोकल यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एट क्वेश्चन है हमारे पास, 8/11 डिवाइडेड बाय 6/15। तो 6/15 क्या है, डिवाइजर, इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल 6/15 इक्वल्स टू 15/6। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 8 × 15 इक्वल्स टू 120 एंड 6 × 11 हो जाएगा 66। ये आ गया हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 66। अब इसको कैंसिल आउट करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डू द रिमेनिंग पार्ट्स बाय योर ओन। नाउ कम टू S3 डिवाइडिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। मिक्स फ्रैक्शन में है ना 5/5, 11/4। फर्स्टली वी विल सिंप्लीफाई द मिक्स फ्रैक्शन टू द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन हमें क्या करना है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है। ठीक है, नाउ 5 × 11 × 5 55+4 हो जाएगा 59/11। तो 59/11 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/59। सिमिलरली यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स बाय योर ओन। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें इसे सॉल्व करना है। तो हेयर अगेन वी हैव मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व द मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन, देन वी कैन सॉल्व इट। तो फर्स्टली 6 × 4 + 5 इक्वल्स टू 29/6 डिवाइडेड बाय 3 × 1 + 1 4/3। ठीक है, नाउ 29/6 इंटू 4/3 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, हम इसे यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 20 ऊपर बच गया 29 एंड नीचे 4 × 2 = 8। तो आंसर क्या आ गया, 29/8। ठीक है, नाउ डू द रिमेनिंग पार्ट्स बाय योर ओन। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग। अगेन हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5/6 डिवाइडेड बाय 4 1/3। तो 4 1/3 को पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 × 4 + 1 तो ये हो जाएगा 13/3। ठीक है, नाउ 5/6 और इट डिवाइड का ऑपरेशन चेंज होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड 13/3 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/13। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, 3 × 3 = 6। सो 5 × 1 = 5 एंड 13 × 2 36। ठीक है, आंसर आ गया 5/36। नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट योर वर्कबुक S3, S2 and S3 प्लस डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम योर कंटेंट बुक सेट 1, सेट 2 कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।